दोस्तों, MTAR Technologies जो कि एक लीडिंग कंपनी है प्रिसाइजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से, और इसका IPO जल्दी रिलीज होने वाला है, और ये इस साल में आने वाला 9th IPO है और मार्च में आने वाला पहला IPO होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस IPO का एक डिटेल रिव्यू दूंगा। मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी का ओवरव्यू कि कंपनी क्या बनाती है, क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को, और उसके बाद मैं आपको इस कंपनी के IPO डिटेल्स बताऊंगा, और फिर मैं आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो पाएगा कि अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट होता है तो वहाँ पर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। और फिर हर बार की तरह एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा इस IPO के बारे में। पर इस सब इन्फॉर्मेशन से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किया। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो देखिए, ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1999 में। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये कंपनी बिलोंग करती है प्रिसाइजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से। अब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में तो आप सबने सुना होगा, पर ये प्रिसाइजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होता है? देखिए, इसके अंदर में वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, और जिसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूक्लियर एंड प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, एरोस्पेस इंजन्स, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, और ऐसे ही कई सारे और क्रिटिकल कंपोनेंट एंड असेंबलीज। और इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इस कंपनी के पास टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी है हैदराबाद में। और ये कंपनी लगातार पिछले 40 सालों से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है डिफेंस, एरोस्पेस एंड एनर्जी सेक्टर को। और इस कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत डायनेमिक्स, ब्लूम एनर्जी जो कि USA बेस्ड कंपनी है, और इसके अलावा भी कई सारी डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज MTAR Technologies की क्लाइंट है। तो आप इन क्लाइंट्स के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितने यूनिक और क्रिटिकल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कंपनी IPO ला क्यों रही है? तो देखिए, ये कंपनी IPO के जरिए टोटल 599 करोड़ का फंड रेज करना चाहती है, जिसको ये कंपनी यूज़ करेगी अपने डेब्ट को, यानी कि लोन को चुकाने के लिए, और इसके अलावा कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की फंडिंग और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को पूरा करने के लिए भी इस फंड का यूज़ करेगी। देखिए, मुझे इस कंपनी के IPO में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता अगर ये कंपनी IPO से जुटाए हुए पैसों को यूज़ करती किसी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट को सेटअप करने के लिए। खैर, जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग के साथ फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप IPO में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के आइडेंटिटी पे मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ओपन कर लें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के डेट में हर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है, और जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है IPO अलॉटमेंट होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। तो अगर आप सेम IPO में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको IPO अलॉटमेंट होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। तो अगेन, अगर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2018 से अभी तक कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। और ठीक है, ऐसे ही कंपनी का रेवेन्यू भी 2018 से अभी तक लगातार बढ़ते जा रहा है। और अगर आप इसका टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये भी ईयर 2018 से लगातार बढ़ते आया, हालांकि आप 2020 में थोड़ा सा डिक्लाइन देख सकते हैं, पर ये चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2020 में तो पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण हर बिजनेस में थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को तो मिला ही है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है, और फ्यूचर में इससे बेटर भी हो सकता है। चलिए, अब डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के IPO डिटेल्स। तो देखिए, इसका IPO ओपन डेट है 3 मार्च 2021, और ये IPO क्लोज हो जाएगा ठीक 3 दिन बाद, यानी कि 5 मार्च 2021। फेस वैल्यू होगा ₹10 पर इक्विटी शेयर, और IPO का प्राइस है 574 to 575 पर इक्विटी शेयर। मार्केट लॉट रखा गया 26 शेयर का, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 26 शेयर्स ही हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,950 का तो करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा इसका अलॉटमेंट डेट रखा गया है 10 मार्च 2021। इनकेस आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपका रिफंड इनिशिएट होगा 12 मार्च 2021 को, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 15 मार्च 2021 को, और IPO का लिस्टिंग डेट है 16 मार्च 2021। चलिए, अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और उससे पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें, और साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर आते रहेंगे।
तो देखिए एट प्रेजेंट इसका जीएमपी है 245 ओवर द आईपीओ प्राइस जो कि है 575। तो आप कह सकते हैं कि ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है एट अराउंड 820 रुपीस, जिसका मतलब ये है कि इसका जीएमपी अभी 42% ऊपर है इशू प्राइस से। खैर अभी तो दिल्ली दूर है क्योंकि अभी तो इसका आईपीओ ओपन होगा, फिर आईपीओ क्लोज होगा और उस समय इसका जीएमपी क्या चल रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनली आपको कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। पर अगर इसका जीएमपी 250 के आसपास भी रहता है तो आपको 40-45% लिस्टिंग गेन तो आराम से मिल जाएगा। चलिए अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ के लेके। तो देखिए ये कंपनी बिलोंग करती है प्रिसाइजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफेंस, स्पेस एंड एनर्जी सेक्टर को। और इसके अलावा अगर आप रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव को देखें, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया को लेकर हो या फिर एम ऑफ इंडिया टू बिकम एन एक्सपोर्टर इन डिफेंस सेक्टर, और ऐसे ही कई सारे और इनिशिएटिव भी है जो कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है MTAR टेक्नोलॉजीज को, खासतौर से करंट बुल मार्केट में जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर हो। तो मेरे ओपिनियन में तो इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर अलॉटमेंट होता है तो शेयर को भी होल्ड करना चाहिए। खैर जो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ के बारे में और क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।